hello my dear friends today we will discuss the important issues from geography and IR section uh, we will discuss the issues from this period that is the 1st of March to the 7th of March so let's start our discussion this these will be the contents which will which we will go through other uh, space hurricane which was recently discovered over the North Pole Mulla dam Chinese approval to the dam on the Brahmaputra we will discuss the uh, prelims and the mains uh, related aspects from this part that why the building of dams is crucial or very critical to the present state and uh, in the international relations we will discuss the bangladesh graduation from the ldc that is the bangladesh is soon going to come out from the least developed country criteria and it will now be considered as a developing country For then joint comprehensive plan of action uh, which is related to iran nuclear deal then better than cash alliance recently uh, it was a news freedom in the world uh, 2021 report and these two topics uh, will be there in the slide you can just download it from the next is website and you can read it the entire analysis will be in this part so let's start with the discussion the first topic is this space hurricane over the north pole so the idea is that We have all heard about hurricanes. Hurricanes are basically cyclones, and they uh, they are named as different different things in different parts of the world. So in the Indian Ocean they are known as cyclones, in the uh, Atlantic Ocean they are known as hurricanes. So in the uh, जो Earth की एटमॉस्फेर है वहाँ पे हमने बहुत सारे हरिकेन देखे। But क्या हमने कोई ऐसा हरिकेन देखा है जो स्पेस में होता है? स्पेस में कोई ऐसा हरिकेन देखा है नहीं तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेस हरिकेन स्पेस में एक हरिकेन देखा गया तो ये हरिकेन सिक्स हंड्रेड माइल वाइड था और ये किससे बना हुआ था ये एयर से नहीं बना हुआ था क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है ये बना हुआ था प्लाज्मा से अब प्लाज्मा आप पूछोगे प्लाज्मा क्या होता है तो प्लाज्मा इज बेसिकली हीटेड गैस आयोनाइज गैस आयोनाइज गैस which is uh, which consists of ions and charged particles and this plasma was is found in the space and this created the hurricane ab ye bana kaise to basically kya hota hai ki jo sun ki uh, jo solar this is the earth और जो solar wind आ रही है earth तक ठीक है uh, वो अपनी magnetic field जो earth की magnetic field है चारों तरफ जो अर्थ की मैग्नेटिक magnetic... तो होता क्या है कि दिस इज अर्थ एंड द सन एमिट्स सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ द सोलर प्लेयर्स एंड वेन चार्ज्ड पार्टिकल्स दे रीच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दे आर डाइवर्टेड एंड दे आर डाइवर्टेड इन सच अ मैनर की दे रीच द पोल्स अब पोल्स पे सारे चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो यहां पे ये चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली दे आर अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा है ना दे आर अ अयोनाइज फॉर्म ऑफ मैटर दे आर चार्ज पार्टिकल्स एंड आयोनाइज गैस एंड हेयर दे स्टार्ट सर्कुलेटिंग एंड फॉर्म अ अन ठीक है तो इस ये इस वजह से ये स्पेस हरिकेन देखने को मिला रिसेंटली आपको तो इट वाज डिटेक्टेड ऑन अगस्त ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड फोर्टीन और अभी ये न्यूज में फिर से आया ये अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर मिला तो अब यहाँ पे फिर से दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए तो अर्थ के दो नॉर्थ पोल हैं एक ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल वो नॉर्थ पोल है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो नॉर्थ पोल है जहाँ पे अर्थ की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करती है ठीक है तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये जो है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है तो यहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नॉर्थ पोल में जाके डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल में अंदर चली जाएंगी तो अर्थ मैग्नेटिक फोल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल में थोड़ा डिफरेंस रहता है हमेशा और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है शिफ्ट और रिसेंटली इसकी फिर से न्यूज थी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज स्टार्टिंग टू शिफ्ट टूअर्ड्स रशिया और उसकी जो शिफ्टिंग की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे और नाउ इट इज शिफ्टिंग एट द रेट ऑफ 55 टू 60 किलोमीटर पर ईयर ठीक है इतनी स्पीड से वो शिफ्ट कर रहा है रशिया की तरफ तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ठीक है तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी इसमें कवर्ड हो गया फिर उसके बाद ये इनकमिंग जो बना है जैसे मैंने बताया कि ये स्पेस हरिकेन कैसे बनाए इनकमिंग सोलर विंड्स जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं उससे बनाए है। अब क्योंकि ये हरिकेन से रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें हरिकेन और साइक्लोन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनली दी हुई है ठीक है तो ये फाइंडिंगस uh, किसने पब्लिश करी थी नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई थी और uh, शेंगडोंग यूनिवर्सिटी चाइना ने इसको डिस्कवर किया था ठीक है तो इससे इंपॉर्टेंट चीज पूछ सकता है फिलिम्स में क्या कि हरिकेन्स के बारे में कुछ पूछ सकता है साइक्लोन्स के बारे में पूछ सकता है तो स्पेस हरिकेन्स के बारे में बताया गया है कि स्क्वरलिंग मास ऑफ प्लाज्मा है इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के अपर एटमॉसफेयर में हिट करते हैं तो रोटेट करते हैं इनसे हो कह सकता है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स आते हैं तो ये सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं सैटेलाइट्स को दे कैन डैमेज और जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं उनको डैमेज कर सकते हैं स्पेस स्टेशन्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए ये इनका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब ये हरिकेन्स आने वाले हैं ठीक है अब general, इन जनरल इन्होंने जैसे कि मैंने बताया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज़ शिफ्टिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1931 में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ था धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स रशिया ठीक है तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स रशिया अब इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि एक तो नॉर्थ पोल स्टैटिक होता है स्टेशनरी होता है हमेशा ठीक है एक ये पूछ सकता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कौन साइड करते हैं ठीक है दूसरा ये पूछ सकता है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो अर्थ का मैग्नेटिक मॉडल है वो कौन बनाता है ठीक है तो यहां पे देखो में भी एक information लिखी हुई है ये मॉडल ठीक है वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल तो ये एक मॉडल होता है जो कि पूरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मैप करता है ठीक है तो ये मॉडल कौन ये मॉडल रेगुलरली अपडेट होता है एवरी फाइव इयर्स में बट क्योंकि इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो इस मैग्नेटिक uh, मॉडल को 2019 तो में ही अपडेट करना पड़ा ठीक है ये नासा यूज़ करती है इस मॉडल को क्या करने के लिए जो मैपिंग करने के लिए सेटेलाइट की पोजिशन सेटेलाइट पोजिशन मैप करने के लिए नासा इसको यूज़ करती है ठीक है तो इसलिए ये मैग्नेटिक मॉडल भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ठीक तो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ये मैं शो करना चाह रहा था ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करके ठीक है तो जैसे हमने बताया कि स्पेस हरिकेन से क्या क्या हो सकता है सेटेलाइट डैमेज हो सकती है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन हमारी डैमेज हो सकती है जो हमारे एस्ट्रोनोट्स वगैरह हैं उनको डैमेज हो सकती है ठीक है अब इन जनरल हरिकेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हरिकेन्स क्या होते हैं ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं लो प्रेशर सिस्टम है ना और ये बनते कैसे हैं रोटेटिंग विंड से ठीक तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी एरिया में लो प्रेशर बन गया तो यहां सारी विंड जो आसपास की है वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगी अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अर्थ इज रोटेटिंग तो एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स और कोरो फोर्स की वजह से ये जो इनकमिंग एयर है ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है अब इस रोटेशन की वजह से जो है जो साइक्लोन की शेप डेवलप होती है और साइक्लोन धीरे धीरे ऐसे रोटेट करके ऊपर जाता रहता है साइक्लोन के सेंटर पोर्शन को बोलते हैं हम आई और ये लोएस्ट प्रेशर का जोन होता है लोएस्ट प्रेशर और इसके चारों तरफ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आई वॉल आई वॉल आई वॉल ठीक है यहाँ पे आपके ठंडा स्टॉम्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पे विंड स्पीड भी सबसे ज़्यादा हाई होती है विंड स्पीड हाई हाईएस्ट विंड स्पीड इज सीन हेयर ठीक है तो आई और आई वॉल ये दो कॉन्सेप्ट है साइक्लोन से रिलेटेड ठीक है उसके अलावा साइक्लोन में और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे इस पी, -पी में आपको आगे देखने को मिलेगा ठीक है अब एक चीज़ और कि इनके नाम जो है अलग अलग जगह पर अलग होते हैं जैसे टाइफून्स हरिकेन्स टोर्नाडोज विलीविलीज और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन में इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं ऐसे लो प्रेशर सिस्टम को ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन में विलीविलीज़ बोलते हैं नॉर्थ है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में टोर्डो बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका और साउदर्न यूएसए में हुरकेन्स बोलते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड में और कैरिबियन सी में और टाइफून्स बोलते हैं चाइना सी में ठीक है चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन अब ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे साइक्लोन्स कैसे बनते हैं तो वो मैंने आपको समझा दिया कि लो प्रेशर सिस्टम होता है और एयर अट्रैक्ट होती है कोरोलियस फोर्स की वजह से रोटेशन स्टार्ट करती है और रोटेटिंग एयर धीरे धीरे अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाती है ठीक एक चीज और कि नॉर्दर्न हेमस्फेयर में साइक्लोन्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है कि नॉर्दर्न हमिस्फेयर में साइक्लोन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और साउथर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन हमेशा क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और ये होता क्यों है ये होता है कोरोलिस जिसकी वजह से अर्थ जो है जो एयर है वो स्पिन करना स्टार्ट करती है तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है ठीक है ए

और फिर ये सारी जो है रोटेटिंग विंड्स होती है चारों तरफ ये रेन रेनबैंड है आपका जहाँ पे रेन क्लाउड्स बनते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होती है ठीक फिर ये वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है स्पैरल रेनबैंड के बारे में ठीक है हरीकेस की इंटेंसिटी नापने के लिए शेरिफ सिमसन हरिकेन विंड स्केल नाप यूज किया जाता है जिसकी वन टू फाइव रेटिंग्स होती हैं तो ये भी पूछ सकता है आपसे फिल्म में कि हरिकेंस की इंटेंसिटी नापने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है स्केल के ऊपर नहीं पूछेगा जैसे इसमें आगे दे रखा है कि आ, अगर विंड स्पीड इतनी से इतनी है तो कौन सा स्केल होगा अगर इतनी से इतनी है तो डैमेज ज़्यादा होगी तो ये नहीं पूछेगा बट ये पूछ सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ द हरिकेन्स को नापने के लिए कौन सा स्केल हम लोग यूज करते हैं तो शेरिफ सिमसन हरिकेन विंड स्केल यूज करते हैं अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट है रिलेटेड जो कि आता है नेमिंग ऑफ द साइक्लोन से नेमिंग तो अलग अलग साइक्लोन्स की नेमिंग के अलग अलग तरीके हैं जैसे कि इंडियन ओशन में साइक्लोन्स की नेमिंग का तरीका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन ठीक है तो इंडियन ओशन को समझते हैं पहले क्योंकि वो हमारा ओशन है तो इंडियन ओशन में पहले साइक्लोन्स के नाम कुछ भी रैंडमली दे दिया करते थे बट टू से साइक्लोन की एक सिस्टमेटिक नेमिंग स्टार्ट हुई है तो वर्ल्ड मिटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू और ये इसका जो पार्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसेफिक इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि साइक्लोन की नेमिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से होगी तो अब यह सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज है इनिशियली यहाँ पे एट मेंबर कंट्रीज थी बट अब अब रिसेंटली फाइव और ऐड हो गई हैं तो थर्टीन मेंबर कंट्रीज टोटल हो गई हैं तो ये सारी थर्टीन मेंबर्स कंट्रीज एक एक नाम अपना नाम सजेस्ट करेंगी ठीक है ये थर्टीन नाम सजेस्ट करेंगे जैसे कि बांग्लादेश ने ये थर्टीन नाम सजेस्ट किए इंडिया ने ये थर्टी नाम सजेस्ट किए तो ईच कंट्री विल सजेस्ट थर्टी नेम्स और उन नेम्स को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा ऐसे रोज और कॉल, आ, कॉलम्स में अब साइक्लोन की नेमिंग करने के लिए एक नाम को यूज किया जाएगा फर्स्ट फिर उसके बाद सेकंड नाम फिर उसके बाद थर्ड फिर उसके बाद फोर्थ ऐसे ऐसे नाम चलेगा जब हम इस रो इस कॉलम की एंड में पहुंच जाएंगे तो हम लोग फिर से टॉप पे चले जाएंगे और ये नाम यूज करेंगे फिर देन अगेन नेक्स्ट नेम नेक्स्ट नेम नेक्स्ट नेम इस टाइप से साइक्लोन की नेमिंग चलेगी अब इंडियन ओशन में नॉर्थ इंडियन ओशन में सिस्टम क्या है कि ये जो लिस्ट है ये रिपीट नहीं होती इसको रिपीट नहीं करते हैं बट अटलांटिक ओशन में अटलांटिक ओशन में ऐसी लिस्ट को रिपीट कर देते हैं ठीक है अटलांटिक ओशन में ऐसी सिक्स लिस्ट है सिक्स लिस्ट तो सिक्स लिस्ट को रिपीट करते जाते हैं तो अगर 2019 में वो लिस्ट यूज हुई है तो 2025 में वो सेम लिस्ट अगेन यूज रहेगी अटलांटिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां पर लिस्ट रिपीट होती है इंडिया में लिस्ट रिपीट नहीं होती जब ये हम साइक्लोन्स के एंड में पहुंच जाएंगे जब ये साइक्लोन समहा आ जाएगा तो इसके बाद न्यू लिस्ट आएगी न्यू लिस्ट न्यू लिस्ट तो ये न्यू लिस्ट जो है इसके हिसाब से फिर से नए नाम होंगे और फिर से नेमिंग शक्स स्टार्ट होगी ठीक है ये सिंपल सा क्राइटेरिया है नेमिंग का आइडिया क्या है कि जो अटलांटिक ओशन में जो नेम्स रिपीट होते हैं ठीक है आ, उसमें भी अगर कोई नेम बहुत ही ज्यादा डेंजरस ठीक है बहुत ही डेंजरस साइक्लोन आया तो उसका नेम रिपीट नहीं करते जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि, आ, है। जैसे कि आपका साइक्लोन सैंडी ठीक है जो कि 2012 में आया साइक्लोन कटरीना जो कि 2005 में आया ठीक है साइक्लोन मिच जो कि 1998 में है इन सबके जो नेम है उसको रिटायर कर दिया गया क्योंकि बहुत सीवियर uh, साइक्लोन्स थे तो इनको इनका नेम यूज नहीं किया था अदरवाइज अटलांटिक ओशन में सिक्स लिस्ट होती है जिसको हम लोग रेगुलरली रिपीट करते हैं फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट मैन एंड वुमेन नेम्स ठीक है वुमेन मतलब मेल और फीमेल मतलब फेमनाइन और जो मेल वाले नेम है उसको अल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है तो एक मेल और एक फ़ीमेल नेम ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग पहले सिर्फ फीमेल नेम यूज़ किया जाता था बट उसको हमने चेंज कर दिया है ठीक है तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई हरिकेन्स और साइक्लोन्स को लेके अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं मुला पेरिया डैम तो ये डैम पे ये क्या है मैसनरी ग्रेविटी डैम है पेरिया रिवर पे तो इससे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई पेरिया रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिया रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ओरिजिन है ना उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है है ना उसकी इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट किस किस स्टेट से पास होती है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है और uh, इसके बाद हम देखते हैं डैम डैम से रिलेटेड हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर स्लाइड में ठीक है ये वेस्टर्न uh, घाट पर सिचुएटेड है और ये जो पैरियर ये डैम कहाँ पर सिचुएटेड है एट द कॉन्फ्लुस ऑफ मुल्ला एंड पैरियर रिवर तो इसलिए इनको मुल्ला पैरियर डैम बोलते हैं अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दिस डैम टे की लीज मिली थी अंडर विच इट इज मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर डैम ठीक है इस डैम को मेंटेन करता है ये ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है कि तमिलनाडु हैजलप्ड इट्स एग्रीकल्चर एंड इट्स वाटर यूजेज इन सच ए मैनर एसो एस टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस डैम इसका मतलब तमिलनाडु इस डैम के वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है अब प्रॉब्लम ये हो गई कि डैम हो गया है पुराना नाओ केरला है ना जहाँ पे ये डैम सिचुएटेड है ठीक है केरला की इडुकी डिस्ट्रिक्ट में डैम सिचुएटेड है तो डैम इज इन केरला बट इट इज मैनेज बाय तमिलनाडु अब केरला चाहता है कि दिस डैम शुड बी डिमोलिश्ड बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड एंड एंड बिकॉज इट इज इट पोज डेंजर ऑफ ब्रेकिंग बट तमिलनाडु कहता है नहीं कि ये डैम को तोड़ना नहीं है क्योंकि इसका जो सारा वाटर यूज है वो इस डैम के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये सारी कहानी है इन दोनों इस इसलिए दोनों ये लोग कोर्ट्स में जाते रहते हैं ठीक है तो बेसिकली पेरियार जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आप पेरियार के बारे में कुछ जान लेते हैं पेरियार एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बट ये जो डैम है मुला पेरियार ये इसका कुछ पानी को डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स तमिलनाडु और ये तमिलनाडु के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो पार्ट में लाई करता है रेन शेडो तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती केरला में काफी बारिश होती है अब तमिलनाडु को अगर वाटर चाहिए तो उसको ये जो मुला पैरियर डैम है और इस, इसके थ्रू जो टनल्स आ रहे हैं वो तमिलनाडु के लिए बहुत क्रूशल है क्योंकि तमिलनाडु में वैसे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती रेन शेडो एरिया में लाई करने की वजह से तो, तो दिस डैम डाइवर्ट्स द वेस्टर्न फ्लोइंग पैरियर रिवर द वॉटर्स द वेस्टर्न फ्लोइंग पैर रिवर टूवर्स द ईस्ट तो वेस्टर्न फ्लोइंग पैरियर रिवर का वाटर को ईस्ट की तरफ डाइवर्ट करता है ये डैम ठीक है अभी ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंडर यह उन्होंने कहा है कि ये कमेटी बनाएंगे जिसमें ये देखा जाएगा कि इस डैम की सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह क्या 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 फीचर है ठीक है और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डैम सीरियसली एक ओल्ड डैम है सीरियसली ओल्ड डैम है और इनफैक्ट यहाँ पे इटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर ने भी बोला है कि इट इज डेंजरस ठीक है क्योंकि तो, तो यहाँ पे एक तो अर्सिज्मिक जोन भी है और यहाँ पे एंटीक्विटी मतलब ये बहुत पुराना भी हो चुका है अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है next topic, ना ये पेरिया रिवर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं इससे क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन सी है ठीक है फिर आ, पेरिनियल रिवर है ये इसमें हमेशा ईयर लॉन्ग पानी रहता है ये पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो करती है और इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट ये है ठीक तो ये इंफॉर्मेशन से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चाइनीज अप्रूवल टू डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना ने जितने डैम्स बनाने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना बहुत सारे डैम्स बना रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर जिस जो जिसका नाम यारलोंग जंगबो है तिब्बत में तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये असम वैली को पूरा इरिगेट करती है ठीक है दूसरा ब्रह्मपुत्र का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज़ वेरी हाई तो अगर ब्रह्मपुत्र में हमने बहुत सारे डैम्स बना दिए ठीक है एंड अल्टीमेटली इफ चाइना वॉन्ट्स टू यूज़ इट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज़ देन चाइना क्या कर सकता है कि ये सारे डैम्स को एक साथ वो खोल सकता है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच एंटर्स इंडिया ठीक है इज़ वेरी हाई इंडिया एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज पे हो जाएगा अगर चाइना बहुत सारे डैम्स बना के ब्रह्मपुत्रा के फ्लो को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे यही इंडिया की मेन कंसर्न है इसके अलावा बहुत सारी और कंसर्नस हैं जैसे कि एनवायरमेंटल क्योंकि ये डैम एक एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया में है और जो uh, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है तो यहाँ पे अगर कोई भी डैमेज होती है डैम्स की वजह से तो उसकी वजह से एनवायरमेंट पे एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है फिर ये एक सीज्मिक जोन भी है सीज्मिक जोन है ना ये इसके कई सारे पार्ट जो हैं आपके अर्थक् जोन फाइव के अंदर आते हैं ठीक है विच इज़ द हाइस्ट अर्थक्वेक जोन इन द कंट्री तो इसलिए ये वैसे भी बहुत डेंजरस लोकेशन पे है और दूसरा है स्ट्रेटेजिक जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं जिसमें चाइना कैन स्टार्ट मिस यूजिंग द कंट्रोल मिस यूजिंग इट्स पावर टू कंट्रोल द ब्रह्मपुत्रा ठीक तो ये सारी जो चीजें हैं और इसके ऊपर एक और इनका एस्पेक्ट क्या है कि लाइवलीहुड अगर हम बहुत सारे डैम्स देंग बना देंगे तो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इन द रिवर कैन बी इफेक्टेड एंड दिस कैन इनडायरेक्टली इफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ़ द पीपल लाइक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फिशिंग ये सारी जो लाइवलीहुड है वो इंपैक्ट हो सकती है ठीक तो ये एक इशू है फ्रॉम दी बोथ फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ इंडिया एंड चाइना और दूसरा है कि अभी जो हमारी वाटर की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है बोथ इंडिया एंड चाइना की तो दोनों ही ज्यादा से ज्यादा पानी को यूज uh, करने की कोशिश कर रहे हैं देर फोर दिस इज असिटिव टॉपिक एंड इट इज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर इंडिया ऑल्सो नाउ इसके कुछ एस्पेक्ट देखते हैं uh, कि जो ब्रह्मपुत्र इसमें अब क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एक तो आपका मेंस परस्पेक्टिव से पूछ सकता है कि इंडिया के लिए ब्रह्मपुत्र चाइना जो डैम बना रहा है इंडिया के लिए कितने क्रूशल है और प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताओ ठीक है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है उनके बारे में पूछ सकता है ठीक है तो चाइना सिर्फ डैम ही नहीं बना रहा है बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पावर ट्रांसमिशन चैनल्स तो दिस ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज बीइंग डन बाय चाइना इन दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव जोन ठीक है अर्लियर इधर दो में भी चाइना ने हाइड्रो पावर बनाया था तो इंडिया बोलता है कि जो भी डैम बना रहा है चाइना वो जो है दे आर ओनली स्टोरिंग वाटर फॉर पावर जनरेशन दे शुड ओनली बी फोकस्ड ऑन पावर जनरेशन दैट इज ऑल दॉटर विच इज स्टोर्ड शुड बी अल्टीमेटली रिलीज बैक इन टू द रिवर आफ्टर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी अगर ये हो गया तो, तो फिर भी ठीक है बट अगर इफ चाइना चाइना स्टार्ट डाइवर्टिंग द दा वॉटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र टू इट्स अदर पार्ट्स है ना जैसे कि तिब्बत में बहुत सारा वाटर डाइवर्ट कर दिया या फिर अपने जो और एरियाज है जो वाटर डेफिसिट है वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया में फिर ब्रह्मपुत्रा का फ्लो कम हो जाएगा ठीक है और दूसरा इंडिया ये भी बोलता है कि क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है अब बहुत सारी और रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्रा में ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं ब्रह्मपुत्रा की तो चाइना अगर थोड़ा वाटर डाइवर्ट भी कर लेता है तो ट्रिब्यूटरीज उसको फुलफिल कर देंगे ठीक है बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लियर नहीं है कि चाइना का एम क्या है चाइना का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इज़ वेरी सीक्रेटिव और उसका एम अभी तक पता नहीं है कि वो जो इतने सारे डैम्स बना रहा है पहले तो कितने डैम्स बना रहा है सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है फिर उसके बाद वो उसका अल्टीमेट एम क्या है वो भी अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ठीक है तो जैसे कि कंसर्नस देख लो कि तो रिस्की लोकेशन से जैसे हमने बताया था अर्थ को जो एक सीजमिक एक्टिविटी होती है डिग्रेडेशन हो सकती है बेसिन की सॉयल डिग्रेडेशन हो सकती है अगर आपने बहुत सारे डैम्स बना दिए तो जितना भी सिल्ट ब्रह्मपुत्र लेके आ रही है वो सारा का सारा स्टॉप हो जाएगा डैम पे और जो आगे वाले चैनल्स हैं जो आगे वाले रिवर हैं उसके पास न्यू सिल्ट नहीं रहेगा न्यू सिल्ट नहीं रहेगा तो जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल uh, फील्ड्स की रिप्लेनिशमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं हो पाएगी तो रिवर्स विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट न्यू सिल्ट इन दिस एरिया एंड दिस कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सॉइल इन द आसाम वैली आसाम के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है पॉपुलेशन को थ्रेट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ब्रह्मपुत्रा के रिवर पर डिपेंड करते हैं स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट तो हमने दिखाई दिया इनफैक्ट डोकलाम के टाइम पे क्या हुआ था डोकलाम जब स्टैंड uh, अप हुआ था तो चाइना ने अपना वाटर वाटर इंफॉर्मेशन वाटर रिलेटेड डेटा जो होता है चाइना स्टॉपड गिविंग दैट डेटा टू इंडिया ठीक है दिस वॉज अ ह्यूज कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या किस लिए प्लानिंग करने के लिए कि अगले आ, साल कितना वाटर आएगा इस रिवर में उसके हिसाब से फ्लड प्लानिंग फ्लड प्लानिंग करने के लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो तो इंडिया और चाइना के बीच में एमओ यू साइंड है जिसके अंडर चाइना जो है अपना डेटा शेयर करता है इंडिया से है ना फ्रॉम दिस पीरियड ठीक है चाइना इंडिया एज यू अंडर विच चाइना प्रोवाइड द डेटा टू इंडिया फ्रॉम मई 15 टू अक्टूबर 15 इसका मतलब मई 15 से अक्टूबर 15 में कितनी बारिश हुई चाइना में कितना वॉल्यूम था वाटर का आ, उनकी साइड पर रिवर पर वो सब इंडिया को प्रोवाइड करता है तो जब चाइना की साइड पर वॉल्यूम पता चल गई तो इंडिया वाला इंडिया क्या करेगा अपनी साइड में जितनी ट्रिब्यूटरीज है उनकी वॉल्यूम ऐड करेगा और फाइनली उन्होंने पुत्र कि टोटल वॉल्यूम जितनी है इंडिया में वो आ जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट होता है फ्लड प्लानिंग के लिए अगर ये डेटा चाइना नहीं देता है तो दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये मेजर रिवर है साउथ एशिया की और इसको यार्लोंग बोलते हैं चाइना में इट ऑरिजिनेट्स एट चैमडूंग ग्लेशियर ये पूछ सकता है आपसे फिल्म में चैमडूंग ग्लेशियर ठीक है एंड विच इज़ नियर दी मानसरोवर लेक इट पासिस थ्रू तिब्बत एंड देन एंटर अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम एंड बांग्लादेश ठीक है एट इट एंटर इंडिया वेस्ट ऑफ साडिया ये भी पूछ सकता है कि इट एंटर्स इंडिया ईस्ट ऑफ साडिया वेस्ट ऑफ साडिया ठीक है तो ये भी आजकल एम सी क्यू में पूछ लेता है तो ये याद रखना है इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ साडिया साडिया जो है वो यहाँ पे कहीं है इस एरिया में तो इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ साडिया ये देखो मैप में भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि देखो ब्रह्मपुत्र जब यहाँ आया इंडिया में ठीक है तो यहाँ तो आ, आपके गॉर्जेज है जिसके थ्रू ये हिमालयों काट के आता है एट दिस पॉइंट है ना इट इज मेट विद लोहित एंड दिवांग, ठीक है लोहित और दिवांग लोहित एंड दिवांग इसको यहाँ पे आके मिलती है और अल्टीमेटली बेसिकली uh, दिवांग लोहित में मिलती है लोहित एंटर्स इनटू द ब्रह्मपुत्रा और उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है उसके पहले इसका नाम जो है uh, अलग अलग होता है जैसे कि इट इज आल्सो नोन बाय द नेम सोयोंग इट इज आल्सो नोन बाय द नेम इज दिहांग ठीक है बट वैन इट इज मेट बाय दिवांग वैन इट इज मेट बाय दिवांग एंड लोहित ओनली देन उसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र बनता है इसके पहले यारलंग जंगपुए है चाइना में नाम इंडिया में सेवांग और दिहांग के नाम से आता है फिर लोहे लोहित और दिवांग इसे मिलते हैं फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है उसके बाद जब ये इधर मिल जाती है ना गंगा से तो इसका नाम हो जाता है पदमा फिर मेघना एक और रिवर है वो इससे आके मिलती है तो फिर कंबाइंड स्ट्रीम को हम लोग मेघना बोलते हैं तो इसके नाम चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे नदियाँ इसमें मिलती हैं तो पदमा मिल जब गंगा मिल जाती है तो पदमा बोलते हैं हम लोग इसको और जब मेघना मिल जाती है इसमें तो अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड एज मेघना ठीक है ये हो गया आपके ब्रह्मपुत्र के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है पेरेनियल रिवर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और उसको थर्टी फोर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में भी गिना जाता है उसको ठीक है अब हम आते हैं आई के ऊपर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई के अंदर तो पहला है कि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का क्राइटे की कैटेगरी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है अभी यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी सी डी पी सी डी पी कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी यूनाइटेड नेशन की कमिटी है उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश को एल डी कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हैं अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि सी के बारे में पूछ सकता है आपसे कि सी क्या है या एल के बारे में पूछ सकता है लीज डेवलप्ड का क्राइटेरिया क्या है क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं या फिर ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज लीज डेवलप्ड में है ठीक है तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो अभी जो सी डी पी है ये इसने रिकमेंड किया है और ये अब जो प्रपोजल है वो यहाँ पे जाएगा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोशॉक में और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है अप्रूव करेगी इसको उसके बाद ही ये जो है चेंज होगा एल डी सी से बाहर आ जाएगा एल डी सी क्या होती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज ठीक है ये ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है लो इनकम का ठीक है और उनको क्लासिफाई किया जाता है एल के तहत अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो एल डी सी है सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है जो कि यूनाइटेड नेशन देता है और कोई क्राइटेरिया यूनाइटेड नेशन नहीं देता किसी कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए ठीक तो अब इसका ये इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या क्राइटेरिया है ठीक है तो जो कमिटी ऑन डेवलपमेंट जो आपकी सी डी पी है कमिटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी इसके तीन क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये एलडीसी कैटेगराइज करता है एक तो हो गया आपका पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ठीक है और एक हो गया आपका ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स एच ए आई ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स उसमें क्या है कि आपके ह्यूमन एसेट्स कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं कितने अवेलेबल हैं और आपका ह्यूमन कैपिटल ओवरऑल कितना अच्छा है थर्ड क्राइटेरिया हो गया आपका इकोनॉमिक वॉलेबलिटी इंडेक्स इसका मतलब कि आप की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्टेबल है और किसी भी इकोनॉमिक शॉक से आप कितनी जल्दी आपकी कंट्री इम्पैक्ट uh, हो सकती है ठीक है तो जैसे यहाँ पे एक देखा है कि ह्यूमन एसेट में ये सारे क्राइटेरिया आते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलर अंडर न रेस्ट मोटेलिटी ऑफ चिल्ड्रन एज फाइव ईयर्स और अंडर ठीक है तो ये सारे ह्यूमन कैपिटल को नापते हैं कि हाउ स्ट्रांग इज योर ह्यूमन कैपिटल अडल्ट लिटरेसी भी है इसमें ऐसे इकोनॉमिक वनरेबिलिटी में एक्सपोजर नापता है शॉक इंडेक्स नापता है कि जैसे uh, अगर कोई नेचुरल शॉक आया जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स आया तो उससे आपकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्टेबल है अगर ऐसा तो नहीं कि छोटा सा डिजास्टर आया और आपकी पूरी इकोनॉमी हिल गई ठीक है तो ये सारे क्राइटेरिया तीन क्राइटेरिया है इसी के बेसिस पे एल बनता है ठीक है तो अभी एल में फोर्टी कंट्रीज है एल में ठीक है जो कि कमिटी ऑन डेवलपमेंट ने इनको एल क्लासिफाई किया है हर तीन साल में इनका रिव्यू करता है वो अब बांग्लादेश को क्यों हटा रह, हटाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने सारे क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर दिए हैं और अब बांग्लादेश जो है एल डी में रहने लायक नहीं रहा बांग्लादेश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है उसका ह्यूमन कैपिटल भी स्ट्रांग हो रहा है और उसका जो वनरेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो रही है वो उसने अपनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है ठीक है अब बांग्लादेश को टाइम मिलेगा ट्वेंटी तक टू प्रिपेयर फॉर द ट्रांजिशन टू द स्टेटस ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री अब एल से बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री में चला जाएगा और इस ट्रांजिशन के लिए उसको 2026 तक का टाइम मिलेगा ठीक है तो दिस आर आर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक अब अगर वो एल से बाहर निकल जाएगा तो उसके कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे ठीक है तो पहले नेगेटिव देख लेते हैं क्या है कि क्योंकि एल जो है वो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज होती हैं तो उनको कुछ कंसेशन मिलता है एक्सपोर्ट्स में आपके उनको मार्केट एक्सेस इजीली मिल जाता है दूसरी कंट्रीज़ का उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्राइटेरिया थोड़ा लो होता है ठीक है उनको क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह इजीली मिल जाता है उनको लोन वगैरह सस्ते रेट पे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सारे फ़ायदे हैं लो ली लो डेवलप लीस डेवलप्ड कंट्रीज़ बनने के बट जैसे ही आप लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में जाते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं आपको इजीली नहीं मिलेगी आपको जो लोन है वो इतने कम रेट पे नहीं मिलेगा आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा आपके आपके जो इंपोर्ट्स जो आप एक्सपोर्ट करो दूसरी कंट्री में उसके क्राइटेरिया और ज़्यादा स्ट्रेंजेंट हो जाएंगे ठीक है बट कुछ पॉजिटिव भी है इसके तो पॉजिटिव क्या है कि जो अगर आप डेवलपिंग कंट्री बन गए हो तो जो इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उनका कॉन्फिडेंस आपकी कंट्री के ऊपर बढ़ जाता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और आपकी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करती है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस एकदम से इंक्रीज हो जाता है आपकी कंट्री में क्योंकि नाउ यू आर नॉट अ लीस्ट डेवलप कंट्री यू आर अ डेवलपिंग कंट्री ठीक है तो अब सीडीपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पूछ सकता है सीडीपी ये क्या है ये सब्सिडरी बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की और ये एडवाइस करती है काउंसिल को बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ठीक है ये ट्वेंटी थर्टी डेवलपमेंट एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी देखती है इसके ट्वेंटी फोर मेम्बर्स हैं और ये नॉमिनेट होते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर ठीक है बाकी ये फोर्टी सिक्स एल डी सी इस देर आर टोटल ऑफ फोर्टी सिक्स एल डी सी आउट ऑफ विच थर्टी थ्री आर इन अफ्रीका नाइन आर इन एशिया वन इज इन कैरिबियन एंड थ्री आर इन द पैसिफिक ओशन तो ये सी डी पी के बारे में पूछ सकता है कि ये इकोसॉक का सब्सिडरी मेम्बर है सब्सिडरी बॉडी है इकोसॉक की ठीक है ईकोसॉक के मेंबर जो हैं वो थ्री ईयर पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये किससे रिलेटेड है ईरान सैंक्शंस से रिलेटेड अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस ने बोला कि उस ये जेसीपीओ को दोबारा से रिवाइव करने की इच्छा है उसकी जब से ट्रंप गए तो ट्रंप वाज वे, वेरी मच अगेंस्ट ईरानस यूरेनियम प्रोग्राम एंड ट्रम्प वांटेड कि ईरान के ऊपर बहुत तगड़े सैक्शन लगे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो जाए ठीक है फिर धीरे धीरे क्या हुआ ये पूरा बैकग्राउंड है जेसीपीए का जेसीपीए का ठीक है टू में ये एग्री हुआ था ईरान तो आइडिया क्या है कि ईरान जो है वो कर रहा था न्यूक्लियर एनरिचमेंट एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल को और ज्यादा प्योर प्योरीफाई कर रहा था ताकि दे कैन मेक न्यूक्लियर बॉम्ब आउट ऑफ इट न्यूक्लियर बॉम्ब ठीक है तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता क्या है बेसिकली यूरानियम इन द नेचुरल स्टेट इज फाउंड मेनली ऑफ टू कंपोनेंट्स यूरानियम टू थर्टी फाइव और यूरानियम टू थर्टी एट तो यू यूरानियम टू थर्टी फाइव ही हमारे काम का होता है है ना दिस इज द मटीरियल विच कॉज द फिजन चेन रिएक्शन तो बट नैचुरली अकोरिंग यूरानियम में इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ पॉइंट सेवन परसेंट होता है और रेस्ट इज यूरानियम टू थर्टी एट तो इफ़ वी वॉन्ट टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इफ़ वी वॉन्ट टू यूज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस यूरानियम एज अ फ्यूल तो हम लोगों को नेचुरल यूरानियम को एनरिच करना पड़ता है तो एनरिच का मतलब क्या है इसमें यूरानियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाया जाए मतलब धीरे धीरे इसको ऐसे कंसनट्रेट किया जाए कि यूरानियम 235 जो है वो बढ़ता जाए और 238 कम हो जाए ताकि जब हमारे पास अल्टीमेट जो यूरानियम फ्यूल रहे है ना उसमें उसको हम लोग बॉम्ब की तरह यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है न्यूक्लियर पावर के लिए न्यूक्लियर अगर सिविल यूज के लिए तो जनरली ट्वेंटी परसेंट इनफ होता है सफिशियंट होता है ना ठीक है अगर हम ट्वेंटी परसेंट भी कर देते हैं ठीक है मैक्सिमम लेवल तक ट्वेंटी परसेंट भी कर देते हैं तो भी न्यूक्लियर पावर के लिए सफिशियंट है इनफैक्ट इससे कम भी न्यूक्लियर पावर में चल जाता है बट अगर हमें बॉम्ब बनाना है तो वी नीड अ हाई लेवल ऑफ एनरिचमेंट करीबन 90 के आसपास हमें एनरिचमेंट करना पड़ेगा वेपन्स के लिए ठीक है हम लोगों को अराउंड नाइन्टी परसेंट के आसपास एनरिचमेंट करना पड़ता है तब जाके वो न्यूक्लियर वेपन बन सकता है ठीक है तो ईरान का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे था तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज ने बोला कि नहीं नहीं वी के नॉट ईरान टू एनरिच द यूरानियम क्योंकि हो सकता है कि वो बीस बोले लेकिन अल्टीमेटली वो इतना डेवलप कर ले अपना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कि नाइन्टी परसेंट तक डेवलप कर ले और फिर उसके बाद न्यूक्लियर बॉम बना ले और फिर ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम बना लेगा तो उसके आसपास की कंट्रीज़ जो है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी फैलने के चांसेस रहते हैं तो ये पूरी कहानी थी तो इसलिए ये सारे पी फाइव प्लस वन कंट्रीज जो कि पी फाइव है और प्लस जर्मनी इन्होंने मिलकर ये जे सी जे सी पी ओ है साइन किया ईरान के साथ इसमें हुआ क्या कि ईरान विल स्टॉप इट्स एनरिचमेंट ईरान अपना एनरिचमेंट बंद कर देगा और Uh, जो बाकी सारी कंट्रीज है वो उसके ऊपर से जो धीरे धीरे सैंक्शन लगे हुए थे पहले वो हटाएंगी ठीक है ये आइडिया था तो अब हुआ क्या कि यूएस जैसे ट्रंप जब थे तो उन्होंने बोला कि दिस सैंक्शन या दिस जो डील है वो अनफेयर है उन्होंने उसको उस डील को अनफेयर बोला उन्होंने बोला कि द डील इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ ईरान बट इट इज अगेंस्ट द यूएस ठीक है तो उन्होंने ऐसा इसलिए इसलिए बोला कि उनको लगता था कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए गए तो ईरान विल स्टार्ट इट्स ट्रेड ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर देगा उसके बाद फिर से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ईरान कैन कम आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील क्योंकि ये न्यूक्लियर डील एक पर्टिकुलर टाइम तक ही थी ठीक है तो उसमें से ईरान बाहर निकल जाएगा और फिर दोबारा से अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर देगा ठीक है तो अल्टीमेटली यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा कि दिस डील इज नॉट फेयर एंड नॉट यूएस विल नॉट एक्सेप्ट दिस डील तो उसकी वजह से यूएस इस डील से बाहर चला गया था अब सैक्शन की वजह से जो है जैसे ये यूएस विड्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि द डील ठीक है उन्होंने बोला कि इट फेल टू एड द थ्रेट ऑफ इरास मिसाइल प्रोग्राम डि नॉट इंक्लूड अ स्ट्रॉग इन अकेनिज्म फॉर इंस्पेक्शन ठीक है तो अब इस डील में ये था कि जो इंटरनेशनल आ, आ, एनर्जी अटोमिक एनर्जी एजेंसी होगी वो ईरान के नुक, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंस्पेक्ट करेगी और देखेगी कि वहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहे ठीक है तो अभी रिसेंटली जब तो वहाँ के प्रेजिडेंट चेंज हुए अमेरिका के तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया कि भाई हम लोग री एंगेज कर सकते हैं मीनिंगफुल डिप्लोमेसी में लेकिन उसके लिए ईरान को सारे जो क्राइटेरिया है जे के उससे कंप्लाई करना पड़ेगा और सारे अंदर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा ईरान बोला कि आ, हम लोग कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे हम बेसिकली पहले आप सेंशन हटाओ सारे जितने भी सेंक्शन आप लगा हैं, फिर हम लोग बात करेंगे तो अभी जो है मुद्दा यहीं पर अटका हुआ है और ईरान ने कुछ आई ए के इंस्पेक्शन्स को भी रोका है ठीक है तो अभी जो है ये सेंसिटिव इशू है और सारी जो कंट्रीज है वर्ल्ड पावर उनका मेन टारगेट क्या है कि ईरान में स्टेबिलिटी फिर से आ जाए और आई ए को एक्सेस मिले वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करने के लिए पूरा आइडिया है ठीक है तो अभी आई uh, ए और ईरान ने एक टेम्पररी डील साइन कर लिए उसमें क्या है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को इंस्पेक्ट करना कंटिन्यू करेगा थ्री मोर मंथ्स के लिए ठीक है और इसकी इन तीन महीने में एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाएगा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अब इससे इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है मेंस में क्या हो सकता है मेंस में आ सकता है कि ईरान सैंक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ठीक है या फिर फिल्म में आ सकता है कि आई ए के बारे में बताओ ठीक है या फिर एनरिचमेंट के बारे में बताओ एनरिचमेंट क्या होता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ठीक अब इसमें देखो आई के बारे में क्या आईई ए uh, जो है इसको जाना जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड है ये 1957 में बना था कब जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएस और रशिया के बीच में उस टाइम पे बना था इसका आइडिया क्या है एम क्या है कि न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं किया जाए डैमेजिंग पर्पेस के लिए ठीक है डिस्ट्रक्टिव परपसेज के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं करें ये इसका टारगेट है ठीक है सेफ एंड सिक्योर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये इसका टारगेट है ठीक तो अब वैसे ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं बना था बट इट रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन को इट रिपोर्ट्स टू बोथ यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस इसके ऊपर कोई नहीं है बट ये रिपोर्ट फिर भी करता है यू को ठीक है क्योंकि अभी जो पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स uh, का तो उसमें यूनाइटेड नेशन जो है सबसे बड़ी बॉडी है उसको ये रिपोर्ट कर देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और आपके uh, इसको सिक्योरिटी uh, काउंसिल को दोनों को रिपोर्ट करता है बट ये है एक ऑटोनोमस बॉडी और ये अपनी एक ट्रीटी से बना था नाइनटीन में ठीक है अब इसका फंक्शन क्या है कि न्यूक्लियर नॉन प्लोफेशन को बढ़ाना उसको देखना कि नॉन प्लोशन हो रही है कि नहीं हो रही सोवरन स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर पावर अच्छे से चल रहे हैं लोगों के नहीं चल रहे और बेसिकली डिस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं होना चाहिए पीसफुल यूज़ होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का अभी रिसेंटली इसने बहुत सारे और काम स्टार्ट कर दिए जैसे कि डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज पैंडमिक कंटेनमेंट प्रिवेंशन ऑफ जूनोटिक डिजीजेज तो अलग अलग जगह पर ये इन्वॉल्व हो गया बट इसका प्राइमरी गोल था कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इसके रिले इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है आई ये पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि एक तो ये P5 के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है उस नेशन की कभी क्रिटिसिज्म नहीं करेगा उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इसमें ठीक है दूसरा जो नॉन चैलेंजिंग नेचर जो है और दूसरा है कि इसकी फंक्शनिंग जो है वो सीक्रेटिव होती है जो इसने इंस्पेक्शन की है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह इजिली अवेलेबल नहीं होती तीसरा कि इसकी इसके पास कुछ एनफोर्समेंट कैपेसिटी नहीं है अगर इसने कुछ गलत चीज़ ढूंढ भी लिया है तो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इसके पास है नहीं और चौथा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके पास कम है है ना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन uh, है उसके कंपैरिजन uh, में इसके पास कम पावर है अपनी चीजों को एनफोर्स कराने के लिए और ये इंफॉर्मेशन भी अपनी सही से शेयर नहीं करता सेलेक्टिवली करता है तो ये उसके वो ड्रॉबैक्स है क्रिटिसिजम्स है एक अब एनपीटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपसे फिल्म में कि एनपीटी जो है नाइनटीन में साइन हुई थी इसका आइडिया क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स और नहीं बनने चाहिए कोऑपरेशन होनी चाहिए एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए और न्यूक्लियर डिसमेंट होना चाहिए हर जगह पे नॉन प्लोरिफेशन मतलब न्यूक्लियर वेपन्स और नई नई कंट्री तक नहीं जानी चाहिए सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था सिक्सटी में फोर्स में आ गया था 1970 में 191 स्टेट्स ने ज्वाइन कर रखा है बट इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक दिस इज क्रूशल इंफॉर्मेशन इंडिया हैज नॉट ज्वाइन ये क्यों है क्योंकि इंडिया बोलता है कि एनपीटी जो है दैट इज अनफेयर टू इंडिया एंड अनफेयर टू दो कंट्रीज विच डू नॉट है न्यूक्लियर वेपन तो इंडिया ये बोलता है कि अगर आपको न्यूक्लियर डिसमेंट करना है तो पहले जो आपकी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको बोलो कि वो अपने वेपन्स कम करें क्योंकि उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं है ना उनको टेस्टिंग वगैरह से भी रोको जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं वो सब भी बंद करो ठीक है तो अगर सभी के साथ सेम बिहेवियर होगा तब जाके हम लोग वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बना सकते हैं अदरवाइज द वर्ल्ड विल नॉट बी न्यूक्लियर वेपन्स फ्री एवर तो ये इंडिया का कहना है इसलिए इंडिया ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया ठीक है तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई देखो अभी रिसेंटली जो ईरान है ना और इंडिया है ये ट्रेड तो कर रहे थे कैसे ईरान वॉज सेलिंग इट्स ऑयल टू इंडिया एंड इंडिया वॉज गिविंग रुपीज़ इन रिटर्न ठीक है क्योंकि ईरान के ऊपर सेंक्शन है तो ईरान डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता और यूएस डॉलर को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं तो जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी उसको यूएस डॉलर में नहीं कर सकती तो अभी इंडिया क्या कर रहा था पहले कि ईरान से ऑयल लेता था और उसको रुपी दे देता था अब ये रुपीज जो है ईरान यूज करता था टू बाय इंडियन आइटम्स इंडियन आइटम जैसे कि राइस हो गया आपका सोया सोया मील हो गया टी हो गया ठीक है ये सारे आइटम्स जो है ईरान वॉज बाइंग फ्रॉम इंडिया यूजिंग दिस रुपीज तो अब मतलब बेसिकली हो रहा था ट्रेड हो रहा था और इंडियन रूपी में हो रहा था अब प्रॉब्लम क्या है कि जब यूएस ने दोबारा सेंक्शन स्ट्रिक्ट हो गए थे इसके 2019 के आसपास व्हेन द वेन वर अगेन बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट तो इंडिया ने ये ऑयल लेना बंद कर दिया ठीक है दिस वॉज स्टॉप्ड अब दिस वॉज स्टॉप्ड सो ये ईरान के पास रूपी जाना बंद हो गया ठीक है तो ईरान के जो रूपी रिजर्व्स हैं ईरान के पास जो रूपी रिजर्व्स हैं वो कम होने स्टार्ट हो गए अब प्रॉब्लम ये है कि जो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स किसके राइस सोयाबीन, टी ठीक है और मेडिसिन वगैरह के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डर रहे हैं कि इफ दे एक्सपोर्ट देयर आइटम्स टू ईरान है ना विल ईरान बी एबल टू पे देम बैक ऑन टाइम क्योंकि ईरान के जो रुपी रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो रहे हैं और यही रीज़न है कि अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी आया था कि इंडिया और ईरान का ट्रेड और कम होता जा रहा है क्योंकि इंडिया ने ऑयल खरीदना तो बंद कर दिया है ईरान के रुपी रिजर्व कम हो गए हैं उसकी वजह से तो अब नाउ द एक्सपोर्टर्स इन इंडिया आर अफ्रेड कि वेदर ईरान विल बी एबल टू गिव देयर पेमेंट्स ऑन टाइम बिकॉज द ईरान्स रुपी रिजर्व आर डिंग एट अ फास्ट पेस तो ये पूरी कहानी है ईरान वैसे भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ईरान में अपना इंडिया जो है चाबहार पोर्ट बना रहा है है ना और ईरान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया ने ईरान कैन बी अ गेट वे टू सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया तो इसलिए ईरान वैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ईरान जो है इंडिया ट्रेड नहीं करेगा उसके साथ तो ईरान को अल्टीमेटली किसी ना किसी के साथ तो ट्रेड करना पड़ेगा तो किसी के साथ ट्रेड कर सकता है मोस्ट ऑब्वियसली चाइना के साथ अब नाव प्रॉब्लम इज़ की चाइना की प्रेजेंस अगर ईरान में भी बढ़ गई तो इंडिया का जितना इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे चाबहार और ये सब को लेके तो वो सारा इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ सकता है ठीक है तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और बाकी कल्चरल तो है ही और हिस्टोरिक रिलेशन इंडिया के बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे हैं एंड ईरान का इंडिया के साथ ट्रेड भी बहुत अच्छा हुआ करता था ट्रेड बहुत अच्छा हुआ करता था ऑयल और बाकी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बट सेंशन की वजह से ये पूरा ट्रेड जो है स्लो होता जा रहा है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक बेटर देन कैश अलायंस ये एक न्यूज में था तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्की और द बेटर देन कैश अलायंस ये तीनों इकट्ठे आए और उन्होंने uh, एक इंडस्ट्री लेवल कमिटमेंट दिया फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स ठीक है तो इनका एम क्या है डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स इज द एम टू मेक डिजिटल पेमेंट्स मोर फ्री इजी एंड मोर इन नंबर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स ये इसका एम है इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ठीक है आ, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर सिचुएटेड है ऑर्गेनाइजेशन तो यूनाइटेड नेशन इट इज बेस्ड इन दूनाइट नेशन एंड इट्स एम इज फॉर ट्रांजेशन फ्रॉम कैश टू रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स इसके लिए ये सेमिनार वगैरह वर्कशॉप करता है और लोगों को प्रमोट इन uh, प्रमोट करता है कि आप डिजिटल पेमेंट यूज किया जाए ठीक है पेमेंट डिजिटेशन के लिए तो सेवेंटी फाइव मेंबर्स हैं इसमें और ये एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ करता है ये कैसे जितना डिजिटल पेमेंट होगा ना उतने ज़्यादा ऐसे लोग जिनके पास हाथ में कैश नहीं होता वो भी अपने को फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल पेमेंट इज़ वेरी इजी एनीबडी विदोन और अ स्मार्ट कार्ड कैन यूज डिजिटल पेमेंट अब इसका जो एम है वो कैश को खत्म करना नहीं है बट कैश को कम करना है और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाना है ठीक है इंडिया ज्वाइन कर लिया था इसको टू थाउजेंड फिफ्टीन में तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि इज इंडिया में बेटर तो आंसर इज यस फिर फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये फ्रीडम हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन <coughs> है ये रिलीज करती है तो इसने अभी रिसेंटली इंडिया का स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया है फ्री से लेकर पार्टली फ्री तर, फ्री तक पहले इसका इंडिया जो था फ्री में आता था अब उसने डाउनग्रेड कर दिया पार्टली फ्री कि इंडिया भाई पूरा फ्री नहीं है पार्टली ही फ्री है बस ठीक है इसकी एक एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट आ, ये है कि जो रिपोर्ट है ये एनुअल होती है मतलब हर साल आती है ईयरली और ये कवर करता है ट्वेंटी के पीरियड को ठीक है जनवरी से लेकर दिसंबर तक ट्वेंटी ट्वेंटी को कवर करा कंट्रीज को को कवर कवर किया और 15 कवर किया तो इसके जो मेथोडोलॉजी है ठीक है, है इसका असेसमेंट अब ये इसका टारगेट क्या है ये देखता है कि इंडिविजुअल्स को, को कितनी फ्रीडम मिल रही है कितनी फ्रीडम मिल रही है और ये सिर्फ देख ये नहीं देखता कि गवर्नमेंट कितनी फ्रीडम दे पा रही है ये ये भी देखता है कि ओवरऑल बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि सोशल ग्रुप्स हो गए या फिर मीडिया हो गई या फिर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हो गए ठीक है उसकी वजह से भी कितनी फ्रीडम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट के एक्शन नहीं देखता ये सारे चीज़ों के एक्शन देखता है और फिर देखता है कि इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम मिल रही है एट दी एंड ये इसका टारगेट है देखना तो ये इस, इसका स्कोरिंग प्रोसेस जो है टू टी सिस्टम होता है इसमें आ, इसमें टेन पॉलिटिकल राइट्स इंडिकेटर्स होते हैं और फिफ्टीन सिविल लिबर्टी इंडिकेटर होते हैं इसके तीन स्टे कैटेगरीज होती है फ्री पार्टली फ्री और नॉट फ्री ठीक है तो अभी इंडिया जो है फ्री से पार्टली फ्री में आ गया है और नॉट फ्री में तो ये आया अभी इसकी हाईलाइट ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल दुनिया में दुनिया में वर्ल्ड में जो है ये डेमोक्रेसी डिक्रीज होती जा रही है फ्रीडम डिक्रीज होती जा रही है ये इसका ओवरऑल एनालिसिस है तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना दे आर बिकमिंग मोर मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग द पीपल्स एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग द मीडिया एंड रेगुलेटिंग द मीडिया तो इसलिए वर्ल्ड ओवर भी आपकी फ्रीडम जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है सबसे फ्री कंट्री कौन सी है दुनिया में फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन और सबसे खराब कंट्री मतलब सबसे आ, फ्रीडम के लिए सबसे बेकार कंट्री तिब्बत सीरिया इंडिया का जो स्कोर है वो कम आ, कम हुआ है सेवेंटी वन था ट्वेंटी पहले बट अब जो है सिक्सटी सेवन हो गया है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और डाउनग्रेड हो गई इंडिया पार्टली फ्री में इसका रीज़न क्या है रीजन आ, ये है कि प्रेस फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुए हैं जैसे कि कई बार प्रेस को साइन वो कर दिया गया है साइलेंट कर दिया गया है फिर एक्सट्रीमिज़म और कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है लोगों की क्योंकि कम्युनिज्म और ये सब बढ़ता जा रहा है रीजनलिज्म और एक्सट्रीमिज़्म बढ़ता जा रहा है इंटरनेट को बहुत बार लॉकडाउन किया गया इंटरनेट फ्रीडम को इंटरनेट फ्रीडम को कई बार लॉकडाउन किया गया इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ़ द कंट्री विच हैज़ लार्जेस्ट इंटरनेट शटडाउंस इन द वर्ल्ड ठीक है वन ऑफ़ द लार्जेस्ट तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है फ्रीडम के लिए कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था तो उससे भी फ्रीडम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ जैसे कि सिटीजनशिप लॉज वगैरह में वहाँ से भी होता है तो बेसिकली और आ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रीडम जो है इंडिया की फ्रीडम इंडेक्स में तो थो इंडिया, थो इंडिया थोड़ा कम हुआ है बट हमें देखने की क्या जरूरत है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस ये यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है ना और ये नॉट प्रॉफिट एन है और इट इज गवर्नमेंट फंडेड ठीक है यूएस गवर्नमेंट फंडेड तो आइडिया क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है ठीक है इंडिपेंडेंट है बट इसके क्राइटेरिया हो सकता है डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू द इंडियन क्राइटेरिया तो हमको ध्यान ये रखना है कि ऑल्डो है ना दे इट इज़ ट्रू इन सम एस्पेक्ट जैसे कि इंटरनेट फ्रीडम वगैरह इंटरनेट शट जो है बहुत ज़्यादा हुए हैं इंडिया में बट ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया किस स्टेज पे है डेवलपमेंट के और व्हाट इज़ इंडिया ट्राइंग टू डू तो इंडिया का जो एम है वो क्या है इंडिया का एम है कि जो जो सिस्टम में बहुत पुराने चीजें हैं जो जि, जिसकी वजह से करप्शन और प्रॉब्लम्स है सिस्टम में है ना लथारजी सिस्टम में है उन सबको रिफॉर्म करना है तो इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सिस्टम्स तो इस स्टेज में थोड़े बहुत डिसेंट्स होना वो है आ, दे आर नॉर्मल बट गवर्नमेंट उसको किस तरह से हैंडल है वो इंपॉर्टेंट है जैसे कि अभी देखो फार्मर प्रोटेस्ट में है ना फार्मर्स आर प्रटेस्टिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इनफैक्ट रिपब्लिक डे पर देखो रिपब्लिक डे पर डेली में बहुत सारे फार्मर्स आके उन्होंने बहुत uh, डैमेज किया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और बहुत uh, लोकल पीस को डिस्टर्ब किया फिर भी जो डेली पुलिस थी उसने एक uh, बिल्कुल रिस्ट्रेंट रखा और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से uh, वायलेंस बढ़ पी तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग टफ सिचुएशंस तो देर आर बोथ साइड ऑफ द कॉइन अच्छे साइड भी है खराब साइड भी है तो इन द मीनस इफ दिस क्वेश्चन इज आस्ट रिगार्डिंग द फ्रीडम देन वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर एंड शो बोथ साइड ऑफ द कोइन ठीक है ये फ्रीडम uh, हाउस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है uh, कुछ इंफॉर्मेशन है कि फ्रीडम हाउस क्या है तो फ्रीडम हाउस यूएस फंडेड एनजीओ है यूएस गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन और इसका जो एम है वो ये होता है कि एडवांसमेंट ऑफ फ्रीडम ग्लोबली ठीक है इट इज नोटेबल फॉर इट्स नॉन पार्टीशन कैरेक्टर्स एंड कमिटमेंट टू मेंटेनिंग सपोर्ट फॉर इट्स मिशन ठीक तो ये सब तो चीजें है ही मेन चीज है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका ठीक है या फिर ये निकाल सकता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है फ्रीडम वाली रिपोर्ट जो है कौन निकालता है फ्रीडम तो हाउस या फिर फ्रीडम हाउस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है तो विद दिस वी कंक्लूड द डिस्कशन फॉर टुडेज कंटेंट i hope you have liked the video if you have liked it then please share it among with your friends so that they also learn a lot of things and please subscribe to the channel uh, for any so for watching such videos in the future please log on to the next is youtube channel and you will be made available so with this we conclude the discussion for today i hope you have learned a lot of things and if you have liked this video please share it with your friends so they also get to learn a lot we will keep making such informative videos for you and we will meet in the future. Thank you.